हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जैसे हमने px कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने उसको लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे a जीरो नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहने का, इसकी जो डिग्री है वो 2 नहीं रहने की। बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने ये 2 चैप्टर में पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। प्यारे बच्चों, जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे भी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स अगर ए जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहने की, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो एक्स की वेरिएबल है, जो एक्स है हमारा, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो जाएगी, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पे ए इक्वल टू जीरो नहीं है, बी इक्वल टू जीरो हो भी सकता है नहीं भी, ठीक किसी तरह से सी जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन a जीरो नहीं होगा, क्योंकि a के जीरो होने से फिर ये जो हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल है हमारा x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है फिर वो 2 नहीं रहने की, फिर वो 1 हो जाएगी। इस वजह से फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो कंसर्न है वो इसी से है। तो हम अगर बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी, किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पूरा का पूरा चैप्टर, ये जो हमारे पास इक्वेशन है स्टैंडर्ड, इसके आसपास घूमेगा, मतलब जो भी बातें होंगी इससे रिलेटेड होगी। यहां पे आपको ध्यान रखना है बी जीरो हो सकता है, यानी कि वो टर्म जिसमें एक्स है वो नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो ना हो, फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट पार्ट ना हो तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर इसको हम एग्जांपल से समझे, कुछ एग्जांपल लें और उसको देखें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट की बात करें, 2x² + 7 = 0, तो यहां देखो हाइएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे जो एक्स वाली टर्म है वो नहीं है, तो बी जीरो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लें, 3x² + 5x = 0, तो यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है, कांस्टेंट सी वाला पार्ट नहीं है, तो यहां पे ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरी अगर बात करें -2x² + 7x + 8 = 0, तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है, कांस्टेंट है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 3x³ + 7x² + 5x + 8 = 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल हमारा एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी, हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो
वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो यहां से 2 से ज्यादा होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो x जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए थी, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसके अंदर, तो x की हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो इक्वेशन आपको गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी डेली लाइफ से में बहुत ज्यादा रोल है, और बहुत ज्यादा जगह पे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि हम इस पूरे चैप्टर में जगह जगह पे हर प्रश्नावली में इसके बारे में, हर एक्सरसाइज में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो यहां पे इसके आसपास हमारे क्वेश्चन रिवॉल्व करेंगे। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट के अगर फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो इसमें है x प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहां पर देखो a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर आइडेंटिफाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab से बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1, यहां पर यह हो जाएगा 2x माइनस 6, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये भी 2x माइनस 6 इक्वल का साइन है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम जो टर्म होती है उनको कैंसिल कर लेते हैं और माइनस 6 को इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6 इधर आगे प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो हाइएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, जो x के टर्म में वो हो भी सकती है वो नहीं भी हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे पास हाईएस्ट पावर है जो वो 2 है, तो इसका मतलब यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 की 3 के साथ करेंगे माइनस 6 माइनस 2 की और माइनस एक्स की करेंगे तो प्लस के 2x हो जाएगा। अब सारे को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 2x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x और माइनस 2x माइनस के 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें हाईएस्ट पावर है जो x की वो 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की वन के साथ एक्स, माइनस टू की एक्स के साथ माइनस 2x, माइनस टू की वन के साथ माइनस 2, एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 के साथ 3x, माइनस 1 की एक्स के साथ तो माइनस एक्स और माइनस 1 की 3 के साथ तो माइनस 3, एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस एक्स और माइनस 3, तो इक्वल का साइन है तो सेम साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गए और किसी का साइन सेम नहीं है, एक्स है और माइनस 2x है, एक्स माइनस 2x तो माइनस एक्स बच गया और ये माइनस 2, इधर 3x माइनस एक्स 2x रह गया और माइनस 3, इनको भी इधर ले आओ माइनस एक्स माइनस 2 और ये इधर आके माइनस के 2x और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0,
माइनस एक्स और माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स और माइनस टू और प्लस के थ्री, तो प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। अब जो हाईएस्ट पावर है आप देखेंगे हाईएस्ट पावर टू नहीं है, हाईएस्ट पावर वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो नो है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करें अगर फोर्थ पार्ट की, तो ठीक इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें दिया हुआ है हमारे पास x माइनस थ्री और 2x प्लस वन दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस फाइव। तो आप देखेंगे x की 2x के साथ 2x स्क्वायर प्लस x और 1 की करेंगे तो x, माइनस थ्री की 2x के साथ माइनस एक्स एक्स और ये माइनस के थ्री, यहाँ पे x के x के साथ x स्क्वायर और x की 5 के साथ 5x। तो यहां से देखो 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस के 6x है, तो माइनस के 5x और माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x, इनको भी इधर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर और माइनस के 5x इक्वल टू जीरो। 2x square minus x square, x square आ गया, माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स माइनस के 10x आ गया, 2x square minus x square तो हमारे पास क्या आ गया x square आ गया, माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स माइनस के 10x आ गया, ये भी हो गई और माइनस के 3 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से बात करें अगर पार्ट फाइव की, इसमें हमारे पास है 2x माइनस वन, पार्ट फोर हमारा x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, ठीक है पार्ट फाइव है 2x माइनस वन x माइनस थ्री और यहां पे x प्लस फाइव और ये x माइनस वन। अब आप देखेंगे यहां से 2x के x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर और इसके साथ करेंगे तो माइनस के 6x, 2x स्क्वायर माइनस के 6x, यहां पे माइनस x माइनस वन की x के साथ माइनस x, माइनस वन की माइनस थ्री के साथ प्लस थ्री, x के x के साथ x स्क्वायर, x की माइनस वन के साथ माइनस x, 5 के x के साथ प्लस के 5x और 5 की माइनस वन के साथ माइनस फाइव। देखो माइनस एक्स यहां पे भी और माइनस एक्स यहां पे भी, इसको तो कैंसिल कर लो, हमारे पास रह गए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, इनको भी इधर ले जाओ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ गया x स्क्वायर, माइनस के 6x और माइनस के 5x माइनस के 11x हो जाएंगे, प्लस के 3 और प्लस के 5 प्लस का 8 हो गया इक्वल टू 0। अब जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक इसी तरह से अगर पार्ट 6 की बात करें हम, तो पार्ट 6 में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये x माइनस टू इट्स होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पे a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रेटी अप्लाई कर ली हमने a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर की, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, इनको भी इधर ले आए 3x प्लस 1 माइनस 4 और प्लस के 4x इज इक्वल टू 0, प्लस के 3x और प्लस के 4x 7x, प्लस का 1 और माइनस के 4 तो माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है x की,
एक्स की हाईएस्ट पावर वन है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आंसर आ जाएगा नो। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सिक्स। आगे बढ़ते हैं पार्ट सेवन की तरफ। अब प्यारे बच्चों आप यहां से देखो, इसको बड़ा फास्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एक्स की और टू एक्स की करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर बनेगा और यहां एक्स स्क्वायर बनेगा, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही, तो एक्स स्क्वायर बचेगा तो क्वाड्रेटिक होगी। यहां पे टू एक्स की एक्स के साथ करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर बनेगा और एक्स की एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही, यस आ गया। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर से भी एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। तो इस तरह से जनरली भी सोच सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे पार्ट सेवन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें अगर पार्ट सेवन की, तो पार्ट सेवन में हमारे पास गिवन है एक्स प्लस टू इट्स ऑल क्यूब दैट इज इक्वल टू टू एक्स और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप देखेंगे यहां पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, कौन सी ए प्लस बी इट्स ऑल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस टू और यहां पे ये टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन है। एक्स क्यूब टू का क्यूब एट हो जाएगा, थ्री की और टू की करेंगे सिक्स और एक्स यानी कि सिक्स एक्स हो गया, ये एक्स प्लस टू है, टू एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो टू एक्स क्यूब और टू एक्स की वाले के साथ करेंगे तो माइनस के टू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स की एक्स के साथ करेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स की टू के साथ करेंगे तो ट्वेल्व एक्स, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। अब सारे काम को लेफ्ट साइड में करो, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स क्यूब और प्लस के टू एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स क्यूब देखो माइनस टू एक्स क्यूब और प्लस का एक्स क्यूब, तो माइनस का एक्स क्यूब बच गया प्लस के सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स वाले ट्वेल्व और टू फोर्टीन एक्स, कॉन्स्टेंट पार्ट एट है दैट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हाईएस्ट पावर थ्री आ गई, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका आंसर आ गया नो। अब यहां से देखो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ए क्यूब से एक्स क्यूब मिलेगा और यहां पे टू एक्स क्यूब बनेगा, तो टू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो आपस में कटने से रहे, तो एक्स क्यूब तो बचेगा ही, तो एक्स क्यूब बचेगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने की। नेक्स्ट है ठीक इसी तरह से अगर बात करें पार्ट एट की, तो यहां पे है ये एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इट्स होल क्यूब। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे भी हम ए माइनस बी इट्स होल क्यूब या आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, तो ये एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, ये बी इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस टू, तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये एक्स क्यूब हो गया माइनस एट हो गया माइनस सिक्स एक्स और ये एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस एट माइनस इसके साथ करेंगे तो माइनस के सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगी, अब माइनस सिक्स एक्स की माइनस टू के साथ करेंगे तो प्लस के ट्वेल्व एक्स हो जाएंगे। अब इन सबको भी लेफ्ट साइड में ले जाओ, ये देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया।
अब हमारे पास बचा माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस का एट इधर आके प्लस का एट हो गया, माइनस के सिक्स एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस के सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और ट्वेल्व एक्स इधर आके माइनस के ट्वेल्व एक्स हो गया इक्वल टू जीरो। माइनस के फोर एक्स स्क्वायर और प्लस के सिक्स एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर बच गए, माइनस के ट्वेल्व एक्स और माइनस का एक्स, माइनस के थर्टीन एक्स हो गए, वन और एट कितना हो गया नाइन, तो प्लस का नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो हाईएस्ट पावर टू है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट एट, और यहां पे प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।